Hi guys, this is Krishna Gan Singh. This is Sharma Singh Rajput. Again, welcome back to our channel Krishna Views. तो खुशी आया है कुछ हमारे घर पे। खुशी तो हमारे चेहरे से ही दिख रही होगी आज आप लोगों को। आज नहीं, एक्चुअल में हमको ये रिसीव हुआ था 2 दिन 4 अक्टूबर को। ये आप लोग देख पा रहे होंगे, ये बॉक्स आया है हमको यूनाइटेड स्टेट से। और इसके अंदर क्या है बताओ? एनी गैसेस? इसके अंदर है प्ले बटन, सिल्वर प्ले बटन, और जो मिलता है 1 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद। हाँ, तो फटाक से इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ थोड़ी सी बातें करेंगे अपनी जर्नी के बारे में। टंटना। तो गाइस, ये है हमारा प्ले बटन, और फटाक से इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो पहले इसको यहाँ से कट कर लेते हैं। इसको साइड से यहाँ से कट कर लेते हैं। ठीक है गाइस, तो ये यहाँ से खुल चुका है। अब इसको हम फाइनली ओपन करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हमको फोम देखने के लिए मिलता है, इसको हम साइड कर देते हैं। और ये कार्ड आता है सबसे पहले। ये कार्ड एक्चुअल में आप इसको पढ़ सकते हैं, ये है एक कंपनी है, जो कंपनी ये अवार्ड को प्रिपेयर करती है, मतलब इसको मैन्युफैक्चर करती है, वो कंपनी का इसमें ईमेल एड्रेस दिया होता है। अगर आपका कभी आते वक्त डैमेज हो जाता है रास्ते में, तो आप इस ईमेल पे कांटेक्ट कर सकते हो, तो ये आपको दूसरा सेंड कर देंगे। ये कुछ सेफ्टी के लिए है। फाइनली आता है ये लेटर, आप इसको आराम से यहाँ पढ़ सकते हो पोज करके। इसमें यूट्यूब के सीईओ का सिग्नेचर है, सुशान। देखिए कुछ इस तरीके का है। और फाइनली यहाँ पे आता है हमारा प्ले बटन, कुछ इस तरीके से पैकेट के अंदर है। इसको हम यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, कृष्णा व्यूज़ प्रेजेंटेड टू कृष्णा व्यूज़ फॉर पासिंग 1 लाख सब्सक्राइबर यूट्यूब। और इस तरीके का है कुछ, ये पीछे से कुछ ऐसा दिखाई देता है। ठीक है गाइस, तो यहाँ से हम इसको हैंग कर सकते हैं। तो बस यही है। और लेकिन अब ये थोड़ा अच्छे क्वालिटी का आने लग गया है, एल्युमिनियम का आता है ये, और ये बीच में ये मेरे ख्याल से ये ग्लास है, मिरर है, तो टूट सकता है। लेकिन हम इस पर कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे नहीं। पहले जो आता था 2017 से ये आ रहा है, 2017-18 में अभी लोगों को यही मिल रहा है। इससे पहले थोड़ा अलग आता था, कांच के फ्रेम में आता था, और यहाँ बीच में प्ले बटन होता था गोल सा। तो बस यही है, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइस, कुछ ऐसा दिख रहा है ये प्ले बटन। अभी काफ़ी डिटेलिंग में आपने अनबॉक्सिंग करते हुए देख ही लिया होगा। तो इसके पीछे की मेहनत कृष्ण गांध जी हमारे साथ शेयर करेंगे। मेहनत मेरी भी है और सपोर्ट लोगों का है। ये जो ट्रॉफी है, ये ट्रॉफी जो हमारी फैमिली है 1 लाख से बढ़ के 1,22,000 तक पहुँच चुकी है, इन सबका सपोर्ट और प्यार, ये सभी के लिए ही, ये इंडिविजुअल कोई मेरे लिए नहीं है सिर्फ। अगर वो लोग नहीं होते तो अभी शायद ही मेरे पास नहीं आता ये चीज़। दिस इज़ वेरी नाइस। लेकिन बस यही था कि यार, चैनल स्टार्ट कर दिया था, पता नहीं था कि इतना ऊपर चले जाएंगे। लेकिन अब जर्नी बताइए आप। जर्नी में तो बहुत लोग आए, तुम भी आई हो जर्नी आया, मतलब मैंने अकेला थोड़ी। हाँ, तो अपनी जर्नी तो बताओ। बस ये था कि मैं थोड़ा शाई टाइप का था और ज्यादा कैमरे के सामने नहीं आना चाहता था, तो मैं ऐसा किसी को लगता नहीं होगा बाइकर। हाँ, YouTube अगर आपको नहीं लगता ना तो कमेंट सेक्शन में बताओ। YouTube पे मैंने काम किया था, लेकिन मैं ज्यादा अपने मतलब वही दिखाता था, अपना फेस ही दिखाता, फेस नहीं दिखाता था, वॉइस से ही काम चलाता था, टेक्निकल वीडियो बना लेना कुछ ऐसा कुछ। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि मेरे को एक दिन ऐसा लगा कि नहीं यार, आज तो कुछ रिकॉर्ड करते हैं। तो मैंने ये छोटा वाला ट्राइपॉड था मेरे पास, इसको मैंने लिया और इसके ऊपर अपना फ़ोन माउंट किया। उसके बाद मैंने फर्स्ट वीडियो अपनी शूट की। ठीक, कौन सी वीडियो थी फर्स्ट वीडियो? फर्स्ट वीडियो मैंने शायद नादिर अली के ऊपर रिएक्शन किया था, और वो वीडियो मैंने अपलोड की। उसके बाद आपको, आप ऐसा चाहोगे फर्स्ट वीडियो से आपको वो मिलने लग जाए, नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कंटिन्यूस वर्क करते जाना है। तो मेरा भी यही था, मैं थोड़ा जिद टाइप आ गया था मेरे अंदर, तो मैं काम करता गया, करता गया, फिर कुछ व्यूज़ आने लग गए, फिर कुछ लोग मुझे मैसेज करने लग गए, तो मतलब फिर खुशी होने लग गई कि यार, मतलब मेरा यूट्यूब चैनल चल पड़ा।
फिर उसके ऊपर वही है कि आपको कंटिन्यूअस वर्क करते रहना है कि जो यूट्यूब है और एक जॉब, ये जो एक ऐसी चीज़ है ना, जॉब में क्या होगा कि आपने अभी इंटरव्यू क्लियर किया ना, तो आप उसके अंदर हायर तो हो जाओगे, आपको नेक्स्ट मंथ से आपकी सैलरी भी मिल जाएगी। यूट्यूब के अंदर कोई ठिकाना नहीं है, आपको 3-4 महीने तक फ्री में भी काम करना पड़ेगा। अगर दिन का 2 वीडियो टारगेट हम लोग रख के चलते हैं तो ये समझ लीजिए कि हमको पूरा दिन लगता है उसको शूट करने में, उसको एडिट करने में, एक्सपोर्ट करने में, अपलोड करने में, थंबनेल बनाने में, उसको पब्लिक करने में हमको पूरा दिन लग जाता है। और जब हम पूरा दिन कंटिन्यूस हम काम कर रहे हैं तो आप समझ सकते हो आपको 3-4 महीने तक कुछ भी उसका कुछ नहीं मिलेगा। तो और फिर भी आप करोगे तो फिर आप वही है कि एक दिन आपको ये मिलेगा, प्ले बटन मिल जाएगा आपको, और यही है सब, लोगों का सपोर्ट प्यार। लेकिन जर्नी में बहुत लोग आए, बहुत लोग गए, और स्टार्टिंग में तो मैंने अकेला स्टार्ट किया था, लेकिन फिर उसके बाद मैंने सोचा कि यार कुछ लोगों को भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए। मैंने अपने दोस्तों से बातें की, उनको इनक्रेज किया यहाँ पे आने के लिए। उसके बाद मेरे 3 दोस्त रेडी हुए और वो लोग ने मेरे साथ काम करना स्टार्ट किया। एक आदर्श था, एक विजय और एक अभिषेक। लेकिन आदर्श के साथ ज़्यादा वीडियो नहीं हो पाया, तो करीबन 5-6-7 वीडियो ही होगी उसके साथ, इतनी शूट हुई। लेकिन उसका कुछ इशू आया तो उसने डिसकंटिन्यू किया वर्क को। उसके बाद रह गए विजय और अभिषेक, इनके साथ मैंने बहुत देर तक काम किया और हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत सारे बातें करते थे, कमेंट पढ़ते थे, काफ़ी मज़ा आता था। फिर हुआ ऐसा कि विजय को कॉलेज के सिलसिले में बल्गेरिया जाना पड़ा। उसके बाद उसी टाइम पे अभिषेक को भी जयपुर जाना पड़ा गवर्नमेंट की प्रिपरेशन के लिए, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन के लिए। तो उसके बाद फिर मुझे ज्वाइन किया इन्होंने, और इनके आने के इसके आने की वजह से बहुत बेचारे क्या बात है, तुम्हारे आने के बाद भी चैनल बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रोथ किया। और मैं फाइनली अब सबको थैंक यू करना चाहूँगा जिसने भी इस चैनल में अपना 1% भी अगर अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, तो उन सबको कॉन्ग्रेचुलेशन, देखो अब हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं। तो बस इतना ही, इसका कितना बड़ा दिल है इससे पता चलता है। हम लोग कुछ नहीं करते, एडिटिंग वगैरह सब यही करता है, हम लोग बस आते हैं शूट करते हैं, वीडियो भी यही फाइंड करता है, हम लोग बस आते हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बट फिर भी इसको ऐसा लगता है कि हाँ हमारा कंट्रीब्यूशन है, तो ये अच्छी बात है। बहुत कम लोग क्रेडिट देते हैं, और जो देते हैं उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं यार, ये भी मेरी हेल्प करते हैं कभी कभी, और कभी कभी क्या, ये मैंने इसलिए नहीं बोला कि तुम मेरी तारीफ करो, नहीं, ये हेल्प करती है, काफ़ी हेल्प करती है, और कोऑपरेटिव भी है। ठीक है, मैं बहुत अच्छी हूँ, ठीक है, एज अ पार्टनर आई एम बेस्ट। तो चलते हैं हम लोग, और एंड में इतना ही कहना चाहेंगे, इसी तरह का प्यार सपोर्ट आप लोग बनाए रखना हमारे साथ। और काफ़ी हार्ड था ये चीज़ की, मतलब बहुत डर भी लगता है कि इंडिया से लोग हमको किस वे में लेंगे, कैसा सोचेंगे, और हमको पाकिस्तान के ऑडियंस का दिल जीतना है, वो लोग क्या कमेंट करेंगे, अच्छा पॉजिटिवली लेंगे या नहीं लेंगे। नहीं, स्टार्टिंग में अभी तो जब हम बड़े चैनल हो गए तो हाँ। अभी बहुत कम ही लोग नेगेटिव कमेंट मारते, सोचते हैं कि नेगेटिव बोलने से पहले, क्योंकि बहुत सारे लोग उसको फिर शुरू हो जाते हैं कमेंट में लताड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी चीज़ हमें बहुत अच्छी लगती है, वैसे ऐसा करना नहीं चाहिए, किसी को भी गलत क्यों बोला, बट फिर भी, लेकिन हाँ यही है, लेकिन स्टार्टिंग में हम छोटे हुआ करते थे ना, तो लोग इतना खराब खराब कमेंट करते थे, तो वो सब चीज़ को इग्नोर करके हमको फिर भी करना था काम। इंडिया से भी आता था, बाहर से भी आता था, लेकिन अब तो लोग समझ गए कि रिएक्शन फील्ड क्या है, क्योंकि रिएक्शन में सिंपल सा बात है कि आप अपने कंट्रीज के ऊपर रिएक्शन नहीं कर सकते, आपको सामने वाली कंट्री या किसी और कंट्री को करना पड़ेगा। तो बस यही था हमारी जर्नी, और ये जर्नी और आगे बढ़ती रहेगी, बहुत सारे उतार चढ़ाव देखेंगे हम। अभी हमारा टारगेट है 1 मिलियन, उसके बाद हमें गोल्ड प्ले बटन मिलेगा। तो गाइस थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, 1 मिलियन में टाइम है, लेकिन पहुँचेंगे वहाँ तक, पर अगर आप लोगों का सपोर्ट नहीं होगा तो नहीं पहुँच पाएंगे, पहुँचेंगे वहाँ भी। और बस इसी तरह से हम लोग को यही है कि सब लोगों का मैसेज पढ़ो, सबकी डिमांड फुलफिल करो, अपने ऑडियंस को खुश रखो, बस यही एक, आप खुश तो हम खुश, यही एक सक्सेस का एक यही रास्ता है। तो चलते हैं फिलहाल के लिए, और अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हो तो और भी वीडियोज आके देख सकते हो, अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताना गाइस। और हाँ, ये प्ले बटन को कैसे क्लेम करना है, काफ़ी सारे यूट्यूबर जो होते हैं वो काफ़ी परेशान रहते हैं, मैंने उनसे बात की थी, वो बोलते हैं कि हमको हमारा 2 महीना हो गया, कोई बोलता 4 महीना हो गया, 6 महीने भी हो जा रहे हैं लोगों को, लेकिन उनका प्ले बटन नहीं आ पा रहा। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इसको जल्दी से जल्दी कैसे क्लेम करना है, तो आप लोग कमेंट करना, हो सकेगा तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो उसके लिए भी बना दूँगी। हमारा काफ़ी जल्दी आ गया, सिर्फ कितने दिनों में आया बताना, 37 डेज लगे, 37 डेज। तो गाइस फिलहाल के लिए हम यूट्यूब में, हाँ
ये भी इतना टाइम भी इसको नहीं लगता, इतना टाइम भी नहीं लगता, लेकिन क्या होता है कि 21 डेज तक हमको वेट करना होता है, क्योंकि जो हमारे सब्सक्राइबर होते हैं फ्लक्चुएटिंग होते हैं, ऊपर नीचे जा सकते हैं। कि ऐसा नहीं कि आपका 1 लाख हुआ तो यूट्यूब वहाँ से ये आपको अवार्ड जो है इसको डिलीवर कर देगा, क्योंकि मान लो कि आपके 1 लाख हो गए, 1,05,000 भी हो गए, तो कल को आपने कुछ ऐसी वीडियो डाल दी, कुछ खराब अगेंस्ट वीडियो डाल दी ऑडियंस की, और ऑडियंस गुस्सा हो गई तो आपकी, और सब 10,000 लोगों ने आपको अनसब्सक्राइब कर दिया, तो आपके 95 हो गए ना, लेकिन फिर भी ये अवार्ड वहाँ से निकल चुका होगा, तो ये गलत होगा कि आपके 1 लाख नहीं हुआ लेकिन फिर भी आपको 1 लाख का वो मिल गया। इसलिए आपको 21 डेज तक वेट करना होता है, और वहाँ से जब 21 डेज मेरे कंप्लीट हुए, वहाँ से मेरे को सिर्फ 10 से 12 दिन ही लगा ये मेरे घर पर पहुँचने में, 2 वीक लगे। तो चलते हैं हम लोग, फिर मिलेंगे इसी तरह की नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, रिएक्शन वीडियो के साथ, हां रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी गाइस, टाटा, नमस्कार, वडक्कम, पहले मैं बोलता था नमस्कार, हां।